दिल्ली में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में वैसे तो सबसे ज्यादा चर्चा गठबंधन की तमाम पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग तय हो जाने की थी, लेकिन बैठक से निकलकर कुछ और ही सामने आ गया। इस मीटिंग में इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा गया। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता के प्रस्ताव का समर्थन किया। बैठक से बाहर निकले एमडीएमके सांसद वाइको से जब यही सवाल किया गया तो उन्होंने भी बताया कि बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाने का सुझाव दिया, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही इंडिया अलायंस के कन्वीनर के लिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा है। किस किस ने सहमति दी सर, किस किस ने सपोर्ट किया उस प्रपोजल को? There was no opposition to that suggestion. Okay, सबने सपोर्ट किया। सजेस्टेड क्या सजेस्ट किया ममता जी ने, आप एक बार बता दीजिए एक लाइन में। खड़गे 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 शुड बी द पीएम खड़गे शुड बी द कन्वीनर और द पीएम पेस सर खड़गे शुड बी फॉर द पीएम और द कन्वीनर फेस पीएम फेस। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनम्रता पूर्वक इंडिया अलायंस का चेहरा बनने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ वंचितों के लिए काम करना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि पहले चुनाव जीत कर आएंगे, उसके बाद पीएम उम्मीदवार तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दलित चेहरा होने की वजह से खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए आगे बढ़ाया गया है। हालांकि खड़गे के नाम पर अभी अंतिम सहमति नहीं बन पाई। रहा मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया है सर? अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात नहीं अभी सर। आप दिल्ली में आप इसके साथ ही इंडिया अलायंस की मीटिंग में सीट शेयरिंग फार्मूले, अलायंस के कोऑर्डिनेटर, चुनावी एजेंडा और चुनावी मुद्दे समेत इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर डिटेल चर्चा तो हुई, मगर आज की मीटिंग में कुछ फाइनल नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी समेत इंडिया अलायंस के कई दलों ने सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी है। सीट शेयरिंग मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत सर। बहुत यार सर बहुत सक्सेसफुल सर, सीट शेयरिंग रैली सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन हो जाएगा पक्का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि चौथी मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। देश में कम से कम 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला हुआ है। सांसदों के निलंबन को लेकर 22 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला हुआ। हालांकि खड़गे ने पीएम उम्मीदवार को लेकर उनके नाम के प्रस्ताव पर कोई बयान नहीं दिया। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है, तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं, तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे। और ममता बनर्जी का मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाने का प्रस्ताव चौंकाने वाला है, क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में धुर विरोधी मानी जाती हैं। इसकी झलक दोनों दलों के नेताओं में देखी जाती रही है। यही नहीं, इस प्रस्ताव के साथ ही साफ है कि ममता बनर्जी पीएम की रेस में खुद को नहीं देख रही है। अब देखना यह है कि आगे की बैठकों में और किन किन मुद्दों पर बात बनती है।